ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की, वही इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ 436 का टर्म इंश्योरेंस प्लान था वो। ये वर्ड मैं यूज़ करना भूल गया वीडियो में, कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था कि हर साल प्रीमियम लगेगा, इसलिए वो टर्म इंश्योरेंस ही केस में आ जाता है। और कुछ भी पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये बात क्लियर रखना, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो पूरे पैसे गए, और अगर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हो तो खैर। अब चलते हैं सुरक्षा बीमा योजना, यानी एक्सीडेंटल डेथ अगर आपकी होती है उस केस में कौन सा इंश्योरेंस अवेलेबल है, गवर्नमेंट बैक्ड। तो वही इंश्योरेंस के आप सेक्शन में आ जाओगे, सी मोर पे क्लिक करोगे, या आपके और भी अगर आपके नए टाइप के बैंक हैं या थोड़े एडवांस बैंक हैं, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह, तो आपको थोड़ा इस तरह का ही ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका SBI है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉग इन करके करना पड़ेगा, जो कि समझ नहीं आता क्यों ऐसा है, उनको जल्दी से ये फीचर ऐप में ऐड कर देनी चाहिए। चलो खैर, हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे, इस पर क्लिक करते हैं और इसके सारे डिटेल्स खुल के आ जाएंगे। ये भी अच्छा लगता है इन प्राइवेट या इस तरह के न्यू टाइप के थोड़े बैंक का, जो अपने ऐप पे ध्यान देते हैं। देख रहे हो काफ़ी कलरफुल तरह से बताया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरह से, कोई भी पढ़ के, अगर पता नहीं इसमें हिंदी का ऑप्शन है या नहीं, लेकिन अगर होता वो भी तो बहुत अच्छा रहता। PMSBY जो है वो गवर्नमेंट बैक स्कीम है, जिसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है अगर आपकी डेथ या डिसेबिलिटी, यानी अगर आपके हाथ खराब हो गए, पैर खराब हो गए या कुछ भी, तो एक्सीडेंट के वजह से और ये प्रूफ हो जाता है तो आपको पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो वही 2 लाख रुपए मिलेंगे, और जो और ये देखो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, बोथ आइज, यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट, लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट, मतलब ये तरह के कंडीशंस में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, या डेथ के केस में, ठीक है, सम इंश्योर्ड ऑन डिसेबलमेंट, अगर सिर्फ एक आंख की आई साइट आप लूज करते हो या सिर्फ एक हैंड और फुट, तो सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों के केस में है और ये सिर्फ एक एक के केस में है। प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये पर एनम है, पर एनम मतलब पर ईयर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 to 70 ईयर्स आपका होना चाहिए, और मल्टीपल बैंक अकाउंट अगर है तो सिर्फ एक बैंक से ही प्लीज़ अप्लाई करना। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो आधार कार्ड KYC के लिए, और अगर आपके बैंक में पहले से KYC की हुई है तो आपको वो भी नहीं लगेगा। इनरोलमेंट पीरियड तो देखो ये भी 31 मई to मई का है, आप जितने जल्दी इनरोल कर लो मई के बाद, वो नेक्स्ट 31 मई तक वैलिड रहेगा। उसके बाद ऑटो डेबिट, यानी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे और आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से इंश्योर्ड हो जाओगे। हाँ, इसको कैंसिल करने का ऑप्शन भी होता है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 20 रुपये दे देना भाई, 20 रुपये की तो मतलब चाहिए। डिलेड इनरोलमेंट क्या पॉसिबल है? तो हाँ, फुल एनुअल प्रीमियम, यानी आप कभी भी अगर इनरोल करो तो आपको पूरे 20 रुपये ही लगेंगे, ठीक है, तो उस तरह से इनरोल कर सकते हो, और अगर आप एग्जिट भी करते हो तो फिर रीज्वाइन भी कर सकते हो। चलो आप प्रोसीड करते हैं। तो वही वो प्रीमियम अमाउंट बता दिया उन्होंने, 20 रुपये है और 2 लाख रुपये का डेथ या एक्सीडेंट, और किस तरह से होगा और 1 लाख रुपये कब मिलेंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, और अगर आपने दोनों को ऐड करके देखो तो मतलब सिर्फ 450 रुपये में आपको लगभग 4 लैक्स तक का बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 450 पर ईयर में। एग्जिस्टिंग फिजिकल डिसेबिलिटी है क्या? देखो ये छोटा सा एक दो क्वेश्चन होगा, उसको फिलअप करना है, तो नहीं, मेरी तो नहीं है, तो मैं नो करूंगा। अगर आप येस करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस के केस में हमेशा सच बोला करो। अगर मेडिकली वो अप्रूव, मतलब प्रूफ हो गया कि आपने झूठ फिल किया है, तो कंपनी बिल्कुल अपने लीगल राइट में है आपको 0 रुपये देने के लिए। चलो नो, प्रोसीड करते हैं। नॉमिनी आपको फिल करना ही होगा, तो नॉमिनी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ फिर डिटेल्स आ गए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, 20 रुपये लगेंगे और 2 लाख रुपये तक आप ये रहोगे। टर्म एंड कंडीशंस जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं और फिर से प्रोसीड करते हैं। और आज सैटरडे है तो ये मंडे को ही होगा, ठीक है, वही रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली, और वही लिखा हुआ है कि ये मंडे को रियलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट, सफिशियंट बैलेंस इन योर अकाउंट। तो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना, इतनी सी बात है, ठीक है। फिर चलो, फिर
इतना ही रखते हैं। देखो सिर्फ 450 रुपये में अगर आपको इस तरह का मिल रहा है, या 20 रुपीज़ में कम से कम एक्सीडेंटल, अगर आपको लगता है कि वो बेनिफिट आपके पास होना चाहिए तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ जाना चाहते हो कि नहीं गवर्नमेंट बैक स्कीम नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्टली ICICI, डायरेक्टली HDFC वगैरह के प्लान्स आते हैं, या और भी वो साउथ की एक बहुत फेमस कौन सी कंपनी थी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की, वो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह भी देती है, तो वो सब भी आप देख सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे अगर उसके रेट में बात करें तो लगभग 40%, क्योंकि 20 रुपये में तो आप कोई दे नहीं पाएगा, ये गवर्नमेंट के ही वजह से ही पॉसिबल है। उन लोगों का लगभग 35 रुपीज़ का होता है मिनिमम। तो ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं, बाय।